हेलो किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। गुड। आई एम योर हैंड राइटिंग टीचर नीलम फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स राइटिंग। स्टूडेंट यू नो, मैथ्स में अब तक हमने 1 to 40 काउंटिंग की है ना। आई होप अब आप सबको 1 to 40 काउंटिंग अच्छे से लर्न हो गई होगी। हो गई है ना? ओके गुड। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू 1 to 20 डोजिंग काउंटिंग। आपके सिलेबस में 1 to 20 ही है डोजिंग काउंटिंग, फर्स्ट सेम है। तो आज हम फिर से एक बार रिविजन करेंगे 1 to 20 डोजिंग काउंटिंग की। लेट्स स्टार्ट विद मी स्टूडेंट। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन 1 to 40 काउंटिंग। आई होप आप सबको 1 to 40 काउंटिंग अच्छे से लर्न भी हो गई होगी, आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है और आपको राइट करनी भी आ गई होगी, क्योंकि हम बहुत बार इनकी रिवीजन कर चुके हैं ना। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू 1 to 20 डोजिंग काउंटिंग। डोजिंग काउंटिंग जो है आपके सिलेबस में फर्स्ट सेम में 1 to 20 ही है, तो हम 1 to 20 क्या करेंगे, डोजिंग काउंटिंग स्टार्ट। मैं आपको कुछ नंबर स्पीक करूँगी, आपने उन्हें राइट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर 6, 6। सेकंड 8, 8। नेक्स्ट नंबर 4, 4। नेक्स्ट नंबर 2, 2। नेक्स्ट नंबर 10, 10। नेक्स्ट नंबर 13, 13। नेक्स्ट नंबर 15, 15। नेक्स्ट नंबर 11, 11। नेक्स्ट नंबर 17, 17। एंड लास्ट नंबर 20, 20। ओके, इसी तरह आपने भी 1 to 20 डोजिंग काउंटिंग अपनी नोटबुक में राइट करनी है। ओके स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन अ टू ज फिलप्स। आई होप अब आप सबको अ टू स साउंड के फिलप्स अच्छे से आ गए होंगे। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू मैच विद सेम साउंड। आज हमने कुछ साउंड इस तरफ राइट की हैं और कुछ सेकंड लाइन में हमने राइट की हैं, आप देख रहे हो। इसी तरह आपने भी ऐसे ही साउंड एक तरफ राइट करनी है और कुछ उसके अपोजिट राइट करनी है, और हमें सेम साउंड के साथ उनकी मैचिंग करनी है। हमें साउंड को रीड करना है और फिर सेम साउंड के साथ उसकी मैचिंग करनी है। जैसे देखिए, फर्स्ट साउंड जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ब। अब इस लाइन में हम ब साउंड देखेंगे कि कहाँ राइट की हुई है, और ब साउंड के साथ ब साउंड को हम मैच करेंगे। अब नेक्स्ट है अ। अब इस लाइन में फिर से हम अ साउंड को देखेंगे और फिर अ साउंड के साथ अ साउंड की हम मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट साउंड हमारे पास है ह। अब इस लाइन में आप ह साउंड देखिए कहाँ है, और ह को ह साउंड के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है ख। ऐसे ही इस लाइन में हम ख साउंड देखेंगे और उसके साथ उसकी मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट साउंड है हमारे पास ल, ल। अब इस लाइन में हम ल साउंड देखेंगे और फिर उसके साथ उसकी हम मैचिंग करेंगे। नेक्स्ट साउंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्व। अब इस लाइन में आप क्व देखिए कहाँ राइट किया हुआ है, और क्व के साथ क्व साउंड की मैचिंग। नेक्स्ट है र के साथ र साउंड की मैचिंग।
ठ ठ। अब इस लाइन में आप देखेंगे ठ साउंड कहाँ राइट की है। नेक्स्ट है व, व साउंड। ज, ओके। इसी तरह आपने भी वन पेज इसी तरह मैच विद सेम साउंड का राइट करना है। इससे आपको एक बार फिर से साउंड की जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। ओके, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट वर्क। स्टूडेंट, हिंदी में प्रीवियस वीडियो में हमने अ से आह तक श्रुत लेख किए थे। आई होप आप सबने भी किए होंगे। और अब आपको अ से लेके अंग तक स्वर अच्छे से राइट करने और लर्न करने आगे है ना। ओके गुड। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू भिन्न अक्षर पर गोला लगाओ। आज हम इस वीडियो में भिन्न अक्षर पर गोला लगाओ करेंगे। मतलब कि यहाँ देखिए, हमने फर्स्ट लाइन में 3 स्वर राइट किए हैं। अब इनमें से 2 तो सेम स्वर हैं और 1 अलग है। तो भिन्न का मतलब कि है यही होता है कि हमें अलग अक्षर पर गोला लगाना है। जो 2 स्वर एक जैसे हैं उन्हें छोड़कर जो थर्ड अक्षर हमारे पास अलग है उसे हमें सर्कल करना है। अब यहाँ पर ई, ई और ऊ, तो यहाँ पे भिन्न अक्षर कौन सा है? ऊ। तो ऊ को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट रीड करेंगे हम आ, अ, आ। अब इन तीनों में से भिन्न अक्षर कौन सा है? अ। तो अ को सर्कल करेंगे। आई, आई, ए। अब इन तीनों में से आई भिन्न, ए भिन्न है, तो ए को सर्कल करेंगे हम। री, ऊ, री। अब इन तीनों में से ऊ भिन्न है, तो ऊ को हम सर्कल करेंगे। अ, आ, आ। अब अ भिन्न है, तो हम अ को सर्कल करेंगे। अंग, अंग, अह। इसमें से भिन्न कौन सा है? अह। अह को हम सर्कल करेंगे। ओके, इसी तरह आपने भी वन फेस भिन्न अक्षर पर गोला लगाओ करने हैं। ओके, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट वर्क।